अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज हम यहाँ पे करने वाले हैं CS 610 की मिड टर्म की प्रिपरेशन, और यहाँ पे हम तमाम MCQs को कवर करने वाले हैं जो कि हमारे इंपॉर्टेंट MCQs हैं, और साथ साथ हम कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। ठीक है, फाइल तो आपको मिल जाती है लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनमें वो चेंजिंग करके बताते हैं, तो जिसकी वजह से हमें क्वेश्चन जो है वो नहीं आते। तो यहाँ पे हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इस सब के लेक्चर्स जो हैं वो चैनल के ऊपर अपलोड हैं, आपने देखे होंगे, और काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए हैं उन लेक्चर्स के ऊपर, आप उनको वॉच कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को, और ये फाइल्स जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो। ठीक है, इसमें जितनी MCQs हैं अगर आप इनको रीड कर लें तो आप 70+ ईजिली नंबर ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। हमारे पास है फर्स्ट MCQs, द स्विच डैट हैज़ नो अटैच कंप्यूटर इज कॉल्ड, ऐसे स्विच जिसके साथ कोई कंप्यूटर भी अटैच नहीं होता। ठीक है, एक अलोन स्विच, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर स्विच। ठीक है, पैकेट एक्सटर्नल, एक्सटीरियर एक्सटर्नल नहीं होती, ये इंटीरियर स्विच होती है जिसके साथ कोई भी कंप्यूटर अटैच नहीं होता। डैश इज द मोस्ट पॉपुलर वायरिंग स्कीम बिकॉज ऑफ लोएस्ट कॉस्ट 10BST। ठीक है, ये आपने बेस वाले सारे क्वेश्चन जो है ना इनको याद करना है, इसमें कुछ भी कंसेप्ट वाली चीज़ नहीं है, सब ये सब रट्टा लगाने पड़ेंगे आपको। ठीक है ना, रट्टा लगाने पड़ेंगे। ये जितने भी बेसिस हैं आपके पास 5 से 10 हैं आई थिंक, तो आपने उनको याद कर लेना है। यहाँ पे 10BST जो होता है ना, ये पॉपुलर वायरिंग स्कीम है। इसकी वजह क्या है कि ये लोअर कॉस्ट होती है, इसमें लोएस्ट कॉस्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इन डैश तकनीक ऑल मेंबर्स ऑफ द नेटवर्क कैन सेंड डेटा ओनली वन स्पेसिफिक टाइम स्लॉट। अब हमारे पास ऐसी तकनीक जिसमें तमाम जितने भी मेमोज हैं ना वो अपने डाटा को जब वो सेंड करते हैं ना तो वो स्पेसिफिक टाइम के ऊपर ही सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज वो आगे पीछे कभी भी अपने डाटा को सेंड नहीं कर सकते। तो ऐसा होता है CSMA की तकनीक के अंदर। ठीक है, इसमें तमाम के तमाम जो यूज़र्स हैं वो अपने डाटा को ऐसे ही सेंड नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से सेंड नहीं करेंगे। जब एक प्रॉपर टाइम आएगा तब वो अपने डाटा को सेंड करेंगे एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर। ठीक है, तो ये होता है CSMA के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इफ अ सेंडर विद अ 100 MB NIC एंड रिसीवर विद 10 MB NIC वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एट विच स्पीड दे कैन कम्युनिकेट, तो 100 MB। ठीक है, जिसके मेगाबिट्स NIC ज़्यादा होगी वही इसकी स्पीड होगी कम्युनिकेशन की। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 MB की स्पीड से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिसिंग डैश इन द फ्रेम फॉर्मेट इंडिकेट रिसीविंग कंप्यूटर मिस बिगिनिंग ऑफ द मैसेज SOH। ठीक है, अगर SOH को हम अपने फ्रेम फॉर्मेट में जो मिस कर देते हैं तो रिसीविंग कंप्यूटर जो होता है ना वो हमारे पास बिगनिंग को, मैसेज की स्टार्टिंग को हमारे पास से मिस कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास द डैश ऑफ एरर्स इज ईजियर देन द डैश ऑफ एरर्स, द डिटेक्शन ऑफ एरर इज ईजियर देन द करेक्शन ऑफ एरर्स। ये यहाँ पे इन्होंने रॉन्ग लगाया हुआ है, हमारे पास आएगा जब करेक्शन ऑफ एरर इज ईजियर, यानी कि एरर को ठीक करना जो होता है वो आसान होता है, लेकिन इसको डिटेक्ट करना, इसको ढूंढना जो है वो ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे आएगा द करेक्शन ऑफ एरर्स इज ईजियर देन द डिटेक्शन ऑफ एरर्स। नेक्स्ट हमारे पास द डैश ऑफ एरर इज डिफिकल्ट देन द डैश ऑफ एरर्स, द करेक्शन ऑफ एरर्स। यहाँ पे यही दोनों चीज़ें इन्होंने गलत लगाई, ये दोनों MCQs जो थे ये आगे पीछे लगा दिए। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डिटेक्शन आएगा। ठीक है, जो हमारी डिटेक्शन ऑफ एरर होती है वो ज़्यादा मुश्किल होती है करेक्शन ऑफ एरर से। नेक्स्ट हमारे पास सोर्स इंडिपेंडेंस फिनोमिनन अलाउ फास्ट एंड सुफिशेंट पैकेट स्विचिंग। जो हमारी सोर्स इंडिपेंडेंस होती है ना ये हमें अलाउ करती है कि हम फास्ट और इफिशिएंट वे के साथ अपनी पैकेट की स्विचिंग कर लें। सही है। नेक्स्ट हमारे पास IN डिस्ट्रीब्यूटेड रूट कंप्यूटेशन प्रोसेस, ईच पैकेट स्विच कंप्यूटर इट्स रूटिंग टेबल लोकली एंड सेंड मैसेज टू द निक बोर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड रूट कंप्यूटेशन प्रोसेस के अंदर एक जो आपका पैकेट है स्विच कंप्यूटर का, उसको आप रूटिंग टेबल लोकली और मैसेज अपने को सेंड कर सकते हैं अपने निगबर के साथ। ठीक है, निगबर का मतलब जो आपके साथ होगा। द डैश लेयर ऑफ OSI मॉडल टेक द डाटा फ्रॉम द फिजिकल लेयर एंड परफॉर्म एरर चेकिंग। डाटा लिंक, जो हमारी डाटा लिंक लेयर होती है सबसे फर्स्ट वाली लेयर हमारे OSI मॉडल की, ये हमारा डाटा को लेती है। ठीक है, ये फर्स्ट वाली लेयर होती है, ये हमारी फिजिकल डाटा से जो बिल्कुल ही टॉप के ऊपर होती है ना जिसके अंदर डाटा पड़ा होता है उससे ये डाटा लेती है हमारी डाटा लिंक। फिजिकल लेयर से डाटा लेती है हमारी डाटा लिंक और इसके ऊपर एरर को चेकिंग करती है। ठीक है, एक्चुअली में अगर ये टोटल OSI मॉडल में ये सेकंड नंबर पे होती है, सबसे नीचे फिजिकल लेयर होती है जिसके पास डाटा होता है, देन ये डाटा लिंक होता है जो इससे डाटा ले रही होती है। हमारे पास है CBR स्टैंड फॉर, CBR किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, कॉन्स्टेंट बिट रेट के लिए। ठीक है, CBR स्टैंड करता है कॉन्स्टेंट बिट रेट। नेक्स्ट है अ नेटवर्क डैट यूजेस डैश
यूजली कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लॉन्ग केबल टू स्विच कंप्यूटर अटैच। बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी में ऐसा होता है कि एक आपके बीच में एक सिंगल लाइन होती है, आप कह सकते हैं कि वायर होती है, यहाँ पर ऊपर से नीचे से या इस तरह कंप्यूटर आपके साथ अटैच होते हैं, ठीक है। वो जब डाटा सेंड करेंगे तो वो इस वायर के अंदर करेंगे और वो अपने कंप्यूटर तक पहुँच जाएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा मसले भी होते हैं, ठीक है। इसमें कुलियन का भी होता है, इसमें आपको वेट भी करना पड़ता है अगर पहले किसी का डाटा जा रहा है तो। ऐसा बस पॉलिसी के अंदर रहता है, एक लाइन होती है पूरी की पूरी, तो इसके इर्द गिर्द जो है वो कंप्यूटर आपके अटैच होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, इफ सी मल्टीनेस ट्रांसमिशन अकर द फ्रेम इंटरफेस विद ईच अदर एट दिस फ्रॉम इज कॉल्ड कुलियन, ठीक है। वही चीज़ है कि अगर ट्रांसमिशन हमारे पास अकर हो गई है और फ्रेम इंटरफेस जो है वो आपस में कनेक्ट हो गए हैं, एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारी कुलियन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास, इन डैश ऑल कंप्यूटर्स आर अटैच टू सेंट्रल हब। तो अब सेंट्रल हब में क्या होता है कि स्टार टोपोलॉजी होती है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में आपके पास एक सेंट्रल हब होती है, इसके इर्द गिर्द आपके कंप्यूटर्स जो हैं वो इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। अब जो भी चीज़ होनी है, जो भी आपने अगर कोई रिसोर्सेज चाहिए तो आपने डायरेक्ट पहुँचना है अपने सेंट्रल हब के पास, इससे सारी चीज़ें लेनी है। लेकिन इसमें एक ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आपकी सेंट्रल हब जो है वो ख़राब हो जाए तो सारे का सारा प्रोसेस बैठ जाता है, यानी कि सारे का सारा प्रोसेस जो है वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि आपका सारा इंटरकनेक्शन सेंट्रल हब के साथ होता है। फॉर एडिंग अ न्यू कंप्यूटर इन पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क डैश न्यू कनेक्शन इज जोड n-1, ठीक है। n-1 का मतलब है जितनी आपके टोटल कंप्यूटर्स पड़े हैं उनमें से सिर्फ एक माइनस करेंगे, इतना आपका ज़्यादा खर्चा आएगा। अगर 40 हैं तो 39 आपके पास पॉइंट्स जो हैं वो आपको लगेंगे, 39 पॉइंट्स आपके लगेंगे। नेक्स्ट इज द फास्टेस्ट इंटरनेट हार्डवेयर ऑपरेट एट द रेट ऑफ, सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट हार्डवेयर जो ऑपरेट करता है वो उसकी स्पीड कितनी होती है, उसकी स्पीड होती है 100 MB/s, ठीक है। 100 MB/s है अभी तक, अब शायद ज़्यादा भी होगी लेकिन हमने बुक की कार्डिंग करें तो 100 MB/s होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन होती है इसमें, ठीक है। हमें इस पॉइंट पॉइंट इन कम्युनिकेशन के अंदर हमें जो सिक्योरिटी है ना वो हमें बेस्ट मिलती है, उसकी इंप्लीमेंटेशन ठीक होती है। ATM ऑफर्स स्पीड एंड डिले, ATM जो होता है वो हाई स्पीड और लो डिले को हमारे लिए ऑफर करता है, ठीक है। इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एस 10 बेस 5, ये आपको अब रट्टा लगाने वाली चीज़ें हैं कि ठीक है, इंटरनेट जो होती है उसको आप 10 बेस 5 कहते हैं, ये ऊपर वाली वही चीज़ थी। बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर स्विचेस डैश पैकेट एंड दे ऑल्सो नीड रूटिंग केबल्स। हमारे जो इंटीरियर और एक्सटर्नल स्विचेस होती हैं ना वो हमारे पैकेट्स को फॉरवर्ड कर देते हैं, और जब इन्हें रूटिंग टेबल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, ये हमारे पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हैं, ना क्रिएट करते हैं, ना डिले, ना स्टार्ट करते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, यानी कि इधर से लेके आगे दे देते हैं। नेक्स्ट, डैश इज द रेट एट विच डाटा कैन सेंड थ्रू द नेटवर्क, थ्रूपुट। थ्रूपुट ये इसकी एक डेफिनेशन भी है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगी। थ्रूपुट जो होता है ये एक रेट होता है जिस पे हम अपने डाटा को दूसरे नेटवर्क के अंदर सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं थ्रूपुट, बल्कि जो रेट होता है डाटा का, ठीक है। इन पिंग मॉडल स्मॉल साइज इंफॉर्मेशन पॉकेट्स ऑफ डैश आर सेंट, ICMP, ठीक है। ICMP को हम सेंड करते हैं यहाँ पे। मैनी वैन्स यूज डैश एड्रेस ऑफ एफिशिएंसी हरारिकल, बहुत सारी जो वैन्स होती हैं वो हमारी हरारिकल एड्रेसिंग जो है इनकी एफिशिएंसी को यूज़ कर रही होती है। हरारिकल सिक्वेंशियल को नहीं याद करती, आपने इनमें मिक्स नहीं होना, लैन और वैन में वैन जो होती है हमारी हरारिकल को हरारी की एड्रेसिंग को यूज़ कर रही होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पिंग कॉमेंट्स, रिले नोड्स। रिले नोड्स जो है ये फंक्शंस नहीं है हमारे पिंग कमेंट्स के, बाकी सारे इसके फंक्शंस हैं। नेक्स्ट है, पैकेट स्विच्ड कैन बी लिंक टूगेदर टू फॉर्म अ वैन, और जो पैकेट की स्विचिंग होती है ये आपस में लिंक होती है अपने वैन को बनाने के लिए, यानी कि वर्ल्ड वाइड नेटवर्क जो हमारा होता है पैकेट स्विचिंग इसमें कनेक्ट होती है। नेक्स्ट, फिक्स नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क विच इज क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू डैश फैक्टर मोबाइलिटी। हमारा जो फिक्स्ड नेटवर्क होता है ना, ये नेटवर्क की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर आप मोबाइलिटी, ठीक है, एक्सचेंजिंग मोबाइलिटी के जरिए मोबाइलिटी के फैक्टर के हिसाब से आप क्लासिफाइड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पैरिटी बिट कैन डिटेक्ट टू एरर्स, पैरिटी बिट जो है हमारे पास दो एरर्स को डिटेक्ट कर सकता है, इवन और ऑड को। वेन वी विल ट्राई टू कनेक्ट टू द इंटरनेट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल विल बी यूज, TCP over IP। जब हम अपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो हम कौन से प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे होते हैं,
हम देन टीसीपी ओवर आईपी को यूज कर रहे होते हैं। हाउ मैनी कंप्यूटर्स आर मैंडेटरी टू फॉर्म अ नेटवर्क? दो कंप्यूटर्स तो लास्ट में होने चाहिए, ठीक है। दो कंप्यूटर आपके लिए मैंडेटरी होते हैं कि आप कोई भी नेटवर्क बना रहे हैं तो आपको दो कंप्यूटर्स की जरूरत लास्ट में होती है। नेक्स्ट है हमारे पास टीसीपी ओवर आईपी डिफाइंस अ टर्म टू रेफर एनी कंप्यूटर सिस्टम डेट कनेक्ट टू अ नेटवर्क एंड रन एप्लीकेशन फॉर यूजर्स। यहाँ पे हमारे पास टीसीपी ओवर आईपी की डेफिनेशन भी है कि इसमें कोई भी कंप्यूटर, ठीक है, जो हमारे नेटवर्क के साथ इंटरकनेक्ट होता है और इसके अंदर एप्लीकेशंस को हमारे यूज़र यूज़ कर रहे होते हैं, इसको हम होस्ट कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। और ये टीसीपी ओवर आईपी की डेफिनेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास देयर आर टू स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशंस टू इम्प्रूव कंप्यूटेशनल इफिशेंसी। अगर हम कंप्यूटेशनल इफिशेंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें कौन सी दो स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशंस को अपनाना होगा? वो एक है हैशिंग, डिटेल हमने लेक्चर्स में पढ़ी हुई है इनकी, और डायरेक्ट इंडेक्सिंग। ये दो चीज़ों को हमें अपनाना होगा। नेक्स्ट हमारे पास इन द आईपी एड्रेस आइडेंटिफाइज द फिजिकल लेयर टू विच द कंप्यूटर इज अटैक प्रीफिक्स के साथ। जब हम अपने आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाइज कर रहे होते हैं ना, तो जो हमारी फिजिकल नेटवर्क होती है, ठीक है, हमारा जो फिजिकल नेटवर्क होता है वो हमारे कंप्यूटर के साथ जो प्रीफिक्स होता है ना, हमारा प्रीफिक्स कंप्यूटर होता है उसके साथ अटैच होता है। नेक्स्ट हमारे पास इन साइक्लिक रिडंडेंसी चेकिंग सी आर सी इज रिमाइंडर। अच्छा, अब रिमाइंडर के तौर पे जिस तरीके से हम कोई भी अलार्म वगैरह लगा देते हैं ना, रिमाइंडर के तौर पे, तो ये इतना टाइम होगा तो ये बेल इसकी रिंग होगी तो हमें पता चल जाएगा। इस तरीके से जो सी आर सी होता है ना हमारा, वो भी रिमाइंडर के तौर के ऊपर यूज हो रहा होता है। नेक्स्ट इज द सेटेलाइट आर रेडियो टोपोलॉजी इन विच ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर वी सेटेलाइट आर रेडियो वेव इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, ठीक है। सेटेलाइट या रेडियो टोपोलॉजी की ये आपकी डेफिनेशन भी है, जहाँ पर कंप्यूटर जो है हमारे कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, सेटेलाइट के साथ या रेडियो वेव्स के साथ। तो इस तरह के इंटरकनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाई इथरनेट सीडी? तो एक तो इथरनेट सीडी का ऑपरेशन होता है कि ये आउटगोइंग सिग्नल्स को चेक कर रहा होता है, दूसरा होता है कि ग्रैबल सिग्नल जो है इंटरप्रेट होते हैं एज अ कुलियन, इसको चेक कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 एंड 2, ये सिग्नल को बैक सेंड नहीं कर रहा। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग अ पैकेट इज कॉल्ड रूटिंग। जब हम अपने पैकेट को फॉरवर्ड करते हैं तो इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं रूटिंग। नेक्स्ट है वाइल ट्रांसमिटिंग डाटा फ्रॉम सोर्स ए टू डेस्टिनेशन बी 4 बिट्स आर चेंज ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन देन द एरर इज बर्स्ट फेयर बर्स्ट एरर। जब हम कोई भी डाटा एक सोर्स ए से उसकी डिस्टिनेशन की तरफ सेंड करे होते हैं तो 4 बिट्स जो हैं वो चेंज हो जाएं, तो तब हम इस एरर को क्या बोलेंगे? बर्स्ट एरर बोलेंगे, बर्स्ट। द स्विच डेट हैज नो अटैच कंप्यूटर इज कॉल्ड इंटीरियर स्विच। ऐसे स्विच जिसके साथ कोई भी कंप्यूटर अटैच नहीं होता, इसको हम इंटीरियर स्विच बोलते हैं। डैश इज अ मोस्ट पॉपुलर राइटिंग स्कीम बिकॉज ऑफ लोएस्ट कॉस्ट 10 बेस्ट टी। 10 बेस्ट टी जो है हमारी वो मोस्ट पॉपुलर स्कीम है। यहाँ पे हम इनको स्किप करते हैं क्योंकि हमने ऊपर पढ़े थे। तो यहाँ पर हमने कहाँ तक पढ़े थे? हाँ, ये हमारे पास यहाँ पर से डैश इज स्टैंडर्ड वायरलेस लैंड डैट यूज रेडियो सिग्नल्स एट 2.4 GHz। हमारे पास जो IEEE 802.11 है हमारे पास, ठीक है, .11 है ना जो हमारे पास, ये हमारी एक वायरलेस लैन है जो कि हमारे रेडियो के सिग्नल्स को यूज़ कर रही होती है, ठीक है। ये रटर लगाने वाली अब चीज़ें हैं, अब इसका कोई कंसेप्ट तो है नहीं, तो आपने याद रखना कि जो हमारी .11 वाली है, बाकी सारा कुछ तो सेम है, ये हमारे सिग्नल्स को, रेडियो सिग्नल्स को यूज़ करता है। हमारे जो लैन इंटरफेस हार्डवेयर है वो CSMA/CD एक्सेस रूल को ओबे कर रहा होता है, ठीक है। लैन इंटरफेस CSMA/CD रूल को फॉलो करता है, आप कह सकते हैं ऐसा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क अ ब्रिज परफॉर्म इज फ्रेम फिल्टरिंग। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है हमारे ब्रिज जो परफॉर्म कर रहा होता है, इसका क्या होता है? वो पैकेट स्विचिंग भी नहीं होता, लाइन कंट्रोलिंग भी नहीं होता, नॉइज कंट्रोलिंग भी नहीं होता, वो फ्रेम फिल्टरिंग होता है, वो हमारे फ्रेम को फिल्टर कर रहा होता है। नेक्स्ट है ATM यूज स्मॉल फिक्स्ड साइज पैकेट्स कॉल्ड सेल्स एंड ईच सेल हैज डैश ऑक्टेट्स 53। ATM है जो हमारा, वो स्मॉल फिक्स साइज पैकेट्स को यूज़ कर रहा होता है और जो हर सेल होता है वो 53 ऑक्टेट्स को कंटेन करता है, ठीक है। डैश है डैश कैन नॉट बी गारंटीड विद वेरिएबल लेंथ पैकेट्स एज इजीली एज इट कैन बी फिक्स्ड लेंथ कॉल्स क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सर्विस की गारंटी नहीं दे सकते हम वेरिएबल लेंथ पैकेट में।
नेक्स्ट है विच मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल कौन सी ट्रांसमिशन कौन सी तकनीक करी है यहाँ पे हमारे पास, VDM भी नहीं करती, FDM भी नहीं करती, GSM भी नहीं करती, TDM ये हमारे पास कर रही है डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट। नेक्स्ट हमारे पास कनेक्शन इन एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड आर कॉल्ड वर्चुअल चैनल। ठीक है, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड के ऊपर आप अगर कनेक्शंस करते हैं तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल चैनल्स। नेक्स्ट है आर डैश इज अ डिवाइस डैट कंबाइन मल्टीपल सिग्नल्स एंड फॉरवर्ड इन टू अ सिंगल लाइन। हमारी जो मल्टीप्लेक्सर एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमारे मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन कर देती है और एक सिंगल लाइन में फॉरवर्ड करती है, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट है डैश इज इनफ्लेक्सिबल स्टेटिक रूटिंग। हमारे पास जो स्टेटिक रूटिंग होती है वो इनफ्लेक्सिबल होती है। नेक्स्ट है इफ अ हब इज यूज टू कनेक्ट मैनी कंप्यूटर इन लैन देन ओनली टू कंप्यूटर आर कम्युनिकेटेड एट अ गिवन टाइम। हब जो है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर्स को लैन के अंदर कनेक्ट तो कर देती है लेकिन हम सिर्फ दो कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, यानी कि एक टाइम के ऊपर। एक टाइम के ऊपर कंप्यूटर तो काफ़ी ज़्यादा आपस में इंटरकनेक्ट है लेकिन एक टाइम के ऊपर हम सिर्फ दो कंप्यूटर्स में ही कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डैश इज द टर्म यूज फॉर वेरियंस इन ट्रांसमिशन डिले जिटर। जिटर जो है ये हमारी ट्रांसमिशन डिलेज की वेरियंस में यूज हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास डैश इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ हीलिंग टेक्निक। तो फ्रेम डिले हमारा जो है वो सेल्फ हीलिंग नेटवर्क है। ओके, और अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आपने कम से कम 10 मिनट की वीडियो देखी हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझे कांटेक्ट करेंगे तो आपको ये फाइल पूरी की पूरी मिल जाएगी। ठीक है, आप इसको रीड करें और इंशाल्लाह आपके 70-80+ नंबर सिर्फ इसी फाइल के एमसीक्यूज़ में ही आ जाएंगे, एमसीक्यूज़ के पार्ट में। ठीक है, डैश आर द टू फ्रेम टाइप्स मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट हमारे फ्रेम्स की दो टाइप होती हैं। एकदम ब्लूटूथ यूज शेयर्ड मीडियम, हमारा जो ब्लूटूथ है वो शेयर्ड मीडियम को यूज़ कर रहा होता है और रेडियो वेव्स को यूज़ करता है, ये कोएक्सियल केबल को यूज नहीं कर रहा होता। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडेड मीडियम। एटमोसफेयर, एटमोसफेयर जो है हमारा ये गाइडेड मीडियम नहीं है, यानी कि ये रहनमाई नहीं करता। नेक्स्ट है एज अ रिजल्ट ऑफ आरफा रिसर्च द फर्स्ट नेटवर्क वॉज एस्टेब्लिश विच वॉज नेम्ड एज आरफानेट। आरफानेट को जब रिसर्च किया जा रहा था तो जो हमें फर्स्ट नेटवर्क मिला था, ठीक है, एस्टेब्लिश किया गया था, उसको हमने नाम दिया था आरफानेट का। नेक्स्ट है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड कैन डायनेमिकली एस्टेब्लिश अ स्विच वर्चुअल सर्किट। ATM एसिंक्रोनस ट्रांसफर जो है वो डायनामिकली स्विच वर्चुअल सर्किट को बना रहा होता है, एस्टेब्लिश करता है। नेक्स्ट है अ टाइपिकली पोर्ट ऑफ एन ATM स्विच ऑपरेट्स एट OC3 स्पीड 155 MB/s आर हायर। जो हमारी ATM की टाइपिकल पोर्ट के ऊपर स्पीड होती है ऑपरेट्स करते टाइम वो होती है हमारी 155 MB/s या OC3 आप लिख सकते हैं, लेकिन 155 MB/s स्पीड होती है या इससे ज़्यादा भी होती है। नेक्स्ट है 10BASE-T इथरनेट इज ऑफन कॉल्ड अ स्टार शेप्ड बस। 10BASE-T इथरनेट को हम स्टार शेप्ड बस भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डैश अलोज ऑटोमेटिक अपडेट्स डायनामिक रूटिंग। हमारी जो डायनामिक रूटिंग है ये हमें ऑटोमेटिक अपडेट्स जो है वो अलाउ करती है। नेक्स्ट है हैंडलिंग वेरिएबल लेंथ पैकेट्स लीड टू मेमोरी फ्रेगमेंटेशंस। ठीक है, वेरिएबल लेंथ पैकेट्स को लीड करने वाली मेमोरी को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। वी मे यूज डैश टू एक्सटेंड लोकल एरिया नेटवर्क। हम ब्रिज हब और रिपीटर को यूज़ करते हैं अपने एक्सटेंड लोकल एरिया के नेटवर्क के अंदर। ठीक है, ब्रिज को यूज़ करते हैं, हब को और रिपीटर को, ये तीन नाम आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। इनकी आपने बुक में से हैंडआउट्स में से इनकी डेफिनेशंस को भी करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी और MCQs में भी। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर टाइप्स ऑफ डिले एक्सेप्ट थ्रोपुट। थ्रोपुट जो है हमारे पास वो हमारे पास डिले की टाइप नहीं है। ठीक है, बाकी सारी हमारे पास डिले की टाइप्स हैं लेकिन थ्रोपुट जो है हमारी डिले की टाइप नहीं है। नेक्स्ट है व्हाइल कंप्यूटिंग शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ नेक्स्ट हुप इंफॉर्मेशन इज इंसर्टेड इनटू रूटिंग टेबल। ठीक है, कंप्यूटिंग शॉर्टेस्ट पाथ ग्राफ के अंदर नेक्स्ट हुप इंफॉर्मेशन इज इंसर्टेड इनटू रूटिंग टेबल।
तो जो इन्फॉर्मेशन है हमारी, उसको हम रूटीन टेबल के अंदर जो है इंसर्ट करते हैं जब हम अपने शॉर्टेस्ट पाथ में कंप्यूट कर रहे होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास लैन इंटरफेस यूजिंग, हमारे पास जो लैन इंटरफेस है वो डीएमए को यूज़ कर रही होती है, हमारे फ्रेम डाटा को डायरेक्टली फ्रॉम मेमोरी, यानी कि हमारी मेन मेमोरी में से डायरेक्टली हमारे डीएमए में जो है वो यूज़ करा होता है, हमारी लैन इंटरफेस जो है। ठीक है, लैन इंटरफेस हमारी डीएमए को यूज़ करती है जब हम फ्रेम को कॉपी करते हैं मेन मेमोरी से डायरेक्टली। द गीगाबिट इथरनेट हार्डवेयर ऑपरेट्स एट द रेट ऑफ, गीगाबिट इथरनेट हार्डवेयर जो है हमारा वो 1000 MB/s की स्पीड से रेट को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, इसका रेट 1000 MB/s है। नेक्स्ट है, इन द अर्ली रिसोर्सेज शेयरिंग एरा विच रिसोर्सेज आर शेयर्ड अमंग यूजर्स कंप्यूटेशन। ठीक है, इफ टू बिल्डिंग्स आर लोकेटेड फार फ्रॉम ईच अदर देन ब्रिज एंड ऑप्टिकल फाइबर कैन बी यूज टू कनेक्ट टू लैन। अगर हमारे पास दो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, तो उनके बीच में अगर ब्रिज है तो हम ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करेंगे दो लाइंस को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे हमारा इंटरनेट मॉडेम स्विच और एनएसए, इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ नहीं होगी, ऑप्टिकल फाइबर को हम यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ वायरलेस कनेक्शन ऑफ लैपटॉप्स इन अ यूनिवर्सिटी क्लासरूम, लैन को। ठीक है, हमारी भी वीजू की यूनिवर्सिटी के अंदर लैन जो है वो एस्टेब्लिश है। यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास जो नेटवर्क है वो वायरलेस कनेक्शन होते हैं लैपटॉप्स के, यूनिवर्सिटी के क्लासेस हमारे जो हैं वो जो पीसीज वाले हैं वो तो नहीं है, लेकिन जो हमारे लैपटॉप्स वाले हैं वो हमारे लैन का वहाँ पे कनेक्शन हुआ हुआ है। नेक्स्ट है, टाइपिकली ब्रिज हैज़, हमारा जो टाइपिकली ब्रिज है उसमें दो NIC होते हैं, एक CPU होता है, एक मेमोरी होती है और एक रोम होती है। नेक्स्ट हमारे पास देयर आर डैश टाइप्स ऑफ डाटा स्टफिंग, हमारे पास कितनी टाइप्स का डाटा स्टफिंग होता है, दो टाइप्स का होता है, देर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा स्टफिंग। नेक्स्ट हमारे पास डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम कैन अकोमोडेट वेट्स ऑन डैश इन ग्राफ नोड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास VPN मेक्स योर IP एड्रेस, VPN जो हमारा होता है, VPN का मास्क जो है वो हमारा IP एड्रेस बना रहा होता है। जैसे हम VPN लगा के लोकेशन को चेंज भी कर लेते हैं तो हमारा जो IP एड्रेस है वो भी वहाँ पे चेंज हो जाता है, लेकिन जो हमारा VPN मास्क है वो हमारे लोकेशन को बना रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटिक रूटिंग कंप्यूटिंग कंप्यूटर्स रूटिंग टेबल इंफॉर्मेशन एट बूट टाइम। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर सेंड्स अ कनेक्शन रिक्वेस्ट टू द स्विच टू विच इट इज अटैच वाइल एस्टेब्लिशिंग अ स्विच विचुअल सर्किट। तो यहाँ पे हमारे पास स्विच यूज हो रहा होता है।